गाइस, जो मैं फॉलोअप क्वेश्चन के वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आपने उन वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा अपना प्यार दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस गाइस। एंड इसके अलावा आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट किए हैं, उसके लिए भी थैंक यू गाइस। आई होप आपके लिए मेरी वीडियोस ज़्यादा इंफॉर्मेशनल या फिर ज़्यादा यूज़फुल हों। मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा ईजी वीडियो बनाऊँ आपके लिए। सो, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस ज़्यादा वीडियोस आज से रिलेटेड देखने के लिए। बेल आइकन दबा सकते हो आप, कमेंट भी कर सकते हो, नीचे फीडबैक शेयर कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो अगर पसंद आए, और डिसलाइक भी कर सकते हो अगर पसंद ना भी आए। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, इज इट हार्ड टू फाइंड क्वाइट प्लेसेस इन सिटीज। तो हमें पूछा गया कि जो सिटीज़ है, सिटीज़ मतलब होता है शहरों में बहुत ही ज़्यादा हार्ड मतलब डिफ़िकल्ट है हमारे लिए फाइंड करना, ढूंढना जो क्वाइट प्लेसेस होते हैं मतलब शांत जगह होती है, वो ढूंढना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए सिटीज़ में, शहरों में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ येस, हाँ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है टू फाइंड ढूंढना क्वाइट प्लेसेस, शांत जगह इन टाउन्स मतलब शहरों में। टाउन मतलब होता है सिटीज, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है गाइस। आप जितना हो सके जो भी आपको क्वेश्चन है पूछा गया उसके सिनोनिम यूज़ किया करो अपने आंसर में। इससे क्या होगा, आपके बैंड स्कोर इंक्रीज होंगे, एग्जामिनर को आपकी वोकैबुलरी का पता चलेगा, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स हैं गाइस ये, और इनके एक या दो, कम से कम पाँच या तीन सिनोनिम हमें पता ही होने चाहिए। तो वापस आते हैं हमारे आंसर पे कि हाँ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है शहरों में शांत जगह ढूंढना, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पल ऑफ कार्स ऑन द स्ट्रीट्स एज वेल एज रोड्स। सो गाइस, जो इंक्रीजिंग अभी तक बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, एम्पल मतलब होता है नंबर, एम्पल लिखा एप्पल नहीं लिखना गाइस, बहुत सारे लोग हैं एम्पल को एप्पल लिख देते हैं, एम्पल मतलब होता है नंबर, एप्पल मतलब होता है सेब, सबको पता है। जो अभी आपने देखा होगा कि कार्स की जो संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है रोड्स पे और स्ट्रीट में, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिसकी वजह से शहरों में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है शांत जगह ढूंढना। तो इसमें यह बात की गई है, आई कंसिडर दैट, आई थिंक दैट, आप ये भी बोल सकते हो, इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज दैट वाई इट इज़ हार्ड टू फाइंड क्वाइट प्लेसेस एंड सिटीज। तो गाइस, मुझे लगता है कि ये एक मेन रीज़न है, मेन कारण है, जिसकी वजह से जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए शांत जगह ढूंढना शहरों में। सो, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हाई इज़ इट क्वाइटर इन द कंट्री साइड। तो आपको बताना है गाइस कि विलेज में इतना ज़्यादा शांति क्यों होती है। सो, इसका आंसर हो सकता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, यहाँ पे कोई भी शक नहीं है इसके बारे में कि विलेजेस आर क्वाइटर प्लेसेस, कि विलेजेस जो हैं, जो गांव हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइटर प्लेसेस हैं, शांत प्लेसेस हैं, शांत जगह हैं, शांत वाली जगह हैं, बिकॉज क्योंकि द लैक ऑफ ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम ट्रैफिक होता है, बहुत ही कम इंडस्ट्रीज हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कम शोर होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपसे पूछा गया था कि हमारे लिए क्यों मुश्किल है शांत प्लेस ढूंढना सिटीज़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इतनी ज़्यादा शांत प्लेसेस क्यों होते हैं गाँव में। सो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वाई डू पीपल गो टू क्वाइट प्लेसेस, कि लोग क्यों जाते हैं क्वाइट प्लेसेस पे, आपको बताना है शांत जगह पे लोग क्यों जाना पसंद करते हैं या फिर। सो, इसका आंसर है फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, कि मेरे अपने ओन ओपिनियन से, मुझे किसी का नहीं पता, बट मुझे मेरा पता है कि मेरा ओपिनियन ये है, तो मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि मल्टीट्यूड्स का मतलब तो पता होगा आपको, पीपल होता है, गो टू क्वाइट प्लेसेस, जाते हैं शांत जगह पे, बिकॉज क्योंकि दे वॉन्ट टू टेक ब्रेक फ्रॉम दिस नॉइजफुल एंड बिजी शेड्यूल टू स्पेंड टाइम विद देमसेल्फ, क्योंकि वो अपने इस जो बिजी शेड्यूल है, जो उनका बहुत ही ज़्यादा नॉइस भरी लाइफ हो चुकी है, उससे वो ब्रेक लेना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए शांत जगह पे जाना प्रेफर करते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़,
वाई डू सम पीपल नॉट लाइक क्वाइट प्लेसेस? तो पहले आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि लोग क्वाइट प्लेसेस पे जाना क्यों पसंद करते हैं। सो नीचे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि लोगों को क्वाइट प्लेस क्यों पसंद नहीं है कुछ लोगों को, तो गाइस सोच समझ के आंसर देना, आराम से आपके पास टाइम होता है, आराम से क्वेश्चन सुनना। अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो आप पूछ भी सकते हो दोबारा कि मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, मुझे दोबारा बता दो क्वेश्चन, है ना, जैसे आपको पता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सम इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ लोग, इंडिविजुअल मतलब होता है पीपल, कुछ लोगों को डू नॉट लाइक क्वाइट प्लेसेस, कुछ लोगों को क्वाइट प्लेसेस पसंद नहीं होते बिकॉज क्योंकि दे वॉन्ट एक्टिविटी, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में एक्टिविटी चाहिए एंड नॉइस ऑल अराउंड देम, और बहुत ही ज़्यादा शोर चाहिए उनको अपने आस पास। दे वॉन्ट कन्वर्जेशन विद अदर्स, उनको कन्वर्सेशन करनी होती है, उनको बातचीत करनी होती है दूसरों लोगों से, और यूजिंग द इंटरनेट, और इंटरनेट यूज़ करना होता है। गाइज आपको पता होगा कि ये वाले क्यू कार्ड के जो फॉलोअप क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन है, तो मैंने आज की वीडियो में 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। सो गाइज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, इतने ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कस करना और ऊपर से आपके माइंड को और ज़्यादा स्ट्रेस देना, ये मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको वीडियो समझ आए और आपके एग्जाम में हेल्प हो सके थोड़ी सी, यही मोटिव है मेरा। तो इसलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।